करीना सैफ, जॉन बिपाशा या रणबीर और दीपिका पादुकोण, इन सभी में क्या कॉमन है? ये रियल लाइफ कपल्स तो हैं ही, मगर खास बात ये है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप को ओपनली डिक्लेयर किया है। वैसे प्यार का खुलेआम इजहार करने से इन सभी कपल्स को प्रोफेशनली काफी फायदा हुआ है, और वो भी इंडोर्समेंट और फिल्म ऑफर्स के रूप में। जितना गहरा प्यार उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। रियल लाइफ कपल्स अक्सर रियल लाइफ में भी एक साथ नजर आते हैं, और 3 घंटे की लंबी फिल्म में ही नहीं बल्कि 30 सेकंड की एड फिल्म में भी निभाते हैं एक दूसरे का साथ। बॉलीवुड के कपल्स जन्म जन्म का साथ हमेशा शायद ही निभा पाए, लेकिन ये 30 सेकंड का साथ कर जाती है फायदे की बात। बात हो रही है अजय काजोल, जॉन बिपाशा या द लेटेस्ट सेंसेशन रणबीर दीपिका जैसे कपल्स की, जिनके रिश्तों ने उन्हें एंडोर्समेंट्स की पहली चॉइस बना दिया। फिल्म स्टार्स की पर्सनल लाइफ को लेकर जितनी क्यूरियोसिटी लोगों में रहती है, उतना ही स्टार्स अपनी निजी जिंदगी को सभी के नजरों से बचाना चाहते हैं। और जब बात हो लव अफेयर्स की, तो इस पर तो पर्दा डालने की पूरी कोशिश रहती है। एक समय था जब स्टार्स अपने मैरिटल स्टेटस को एक रहस्य ही बनाए रखना बेहतर समझते थे। ऐसा माना जाता था कि शादीशुदा एक्टर्स का क्रेज लोगों के बीच में कम ही होता है। जब आमिर खान ने अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक की, तो उन्होंने अपनी शादी की बात छुपाए रखी। वो नहीं चाहते थे कि इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आए, और तो और फीमेल एक्टर्स का शादीशुदा होना भी नुकसानदेह माना जाता था। लेकिन आज सीन कुछ और ही है। पहले अगर शादीशुदा एक्टर्स को कम फिल्म ऑफर्स मिलने का डर होता था, वही आज रियल लाइफ कपल्स माने जाते हैं हॉट प्रॉपर्टी। तभी शायद आज के सितारे अपने रिश्तों को छुपाने की बजाय खुलेआम इसका इजहार करते हैं। वैसे इधर स्टार्स ने अपने लव अफेयर की बात की, तो उधर स्टार कपल्स आ जाते हैं सभी की निगाहों में, खासकर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए। आखिर यहाँ सवाल है प्रोडक्ट्स बेचने का, और अगर जोड़ियाँ हिट है तो कंज्यूमर्स तक इनकी पहुँच तो बेहतर होगी ही, यानी स्टार जोड़ियों की ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। एक अच्छा खासा शॉर्टकट है ब्रांड के लिए, क्योंकि अगर आपको बहुत जल्दी ही डेट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए सेलिब्रिटी से, तो अगर दो लोग जो एक रिश्ते में हैं, रोमांस कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर उन्हें कहा जाए कि भाई एक अच्छा कमर्शियल है, 3 दिन की शूटिंग है और आप दोनों साथ में हैं एड में, तो वो एक अलग लेवल की बात है, एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो उस जोश में आपको फटाफट डेट्स मिल जाती हैं, कभी कभार एक अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। जॉन और बिपाशा के हिट पेयर ने एंडोर्स किया एक शैम्पू के ब्रांड को, तो काजोल और अजय देवगन ने भी कई एड्स एक साथ किए, और अब एडवर्टाइजमेंट्स में नजर आते हैं न्यू लव बर्ड्स रणबीर और दीपिका। इन एड फिल्म से इतना तो जरूर जाहिर होता है कि ये सिल्वर स्क्रीन के कपल्स स्मॉल स्क्रीन पर भी एड्स के जरिए धूम मचा देते हैं। आखिर तभी खबरें आई थी कि सैफ और करीना को भी कई एड्स ऑफर हुए जब वो एज अ कपल लोगों के सामने आए। ऐसे ही कुछ ऑफर्स आफताब शिवदसानी और याना गुप्ता को भी मिले थे जब उनके अफेयर की चर्चा गर्म थी। लेकिन इसके पहले कि वो एड्स में नजर आते, उनका ब्रेकअप हो गया। वही मलाइका और अरबाज की जोड़ी को एक जबरदस्त एड स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने तो अपनी शादी के टूटने तक की खबर भी दी। बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक था, यानी किसी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए अपने रिलेशनशिप को यूज करना शायद इन स्टार्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इट नेवर स्पोक अबाउट एनीथिंग, इफ यू नोटिस, इट स्पोक अबाउट अरबाज खान रीमैरिंग, एंड अरबाज खान हैज रीमैरिड, एंड इफ इट इज यूज्ड एज अ पब्लिसिटी सिचुएशन और टू स्पाइक अप द इवेंट और टू मेक इट इंटरेस्टिंग, I think this, everybody has a right to do that. Everybody has a right to make their event a little more acceptable or more exciting. Celebrities अब ये बात समझ गई हैं कि media बहुत ही powerful space occupy करता है, और media के through वो अपनी positioning बहुत ही एक जल्दी और shortcut तरीके से कर सकते हैं। Celebrity media को use करता है अपनी शोहरत और fame और name के लिए, और media भी I think काफी खुश है। Celebrities बाहर निकल रही हैं, अपनी personal life media को present कर रही हैं। I think it's a win-win situation. प्यार का रिश्ता यूं तो जिंदगी में खुशियां लाता है, लेकिन फिल्मी सितारों के लिए ये प्रोफेशनली भी उनके बैंक बैलेंस में इजाफा ही करता है। वैसे आज के दौर में ब्रांडिंग बेहद जरूरी है, ऐसे में किसी प्रोडक्ट को स्टार कपल्स का नाम मिल जाए तो फिर कंज्यूमर्स ढूंढने में भी आसानी हो जाती है, और लगता है स्टार्स भी इस बात को खूब समझते हैं। अंजलि सिंह, जूम, मुंबई।